डायबिटीज़ हो गई 22 साल की उम्र में, उसके बाद तो फिर संभालते संभालते सारा हाथ से निकल गया। रंगमंच और अभिनय हम जैसे एक्टर को फाइटर बनाता है। नहीं, मैं दिमाग में नहीं पालता कि मेरी तबीयत खराब है, मैंने हिम्मत है तो ये नाभि का जोर लगना जरूरी है। अब यार 64 में हूँ और डायबिटीज़ हो गई 22 साल की उम्र में, उसके बाद तो फिर संभालते संभालते सारा हाथ से निकल गया। डायबिटीज़ बहुत खतरनाक बीमारी है, लेकिन तब भी रंगमंच और अभिनय हम जैसे एक्टर को फाइटर बनाता है, लड़ते हैं। आपको कहीं नहीं लगा होगा देखते हुए कि कहीं तबीयत खराब है। नहीं, मैं दिमाग में नहीं पालता कि मेरी तबीयत खराब है, मैंने हिम्मत है तो ये नाभि का जोर लगना ज़रूरी है। नाभि का वहाँ जब आपकी इंटेंसिटी कायम है तो फिर आप तो पूरी तरह लड़ के भी परफॉर्म करेंगे। मुझे भी अच्छा लग रहा है और फिर से एक बार नई शुरुआत और अच्छा मनोरंजन करके दे सकूँ दर्शकों का। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि रिपीट टेलीकास्ट को भी उन्होंने बहुत तवज्जो दी है, और उम्मीद करता हूँ कि हमारे दर्शकगण इसको भी अच्छी तवज्जो देंगे। हाँ, लगता है जैसे हम परिवार हमारा बिछड़ गया था, अब हम अपने फिर से परिवार में आ गए हैं और हमारे परिवार में बढ़ोतरी हुई है, हमारे नाते पोते हो गए हैं, तो सज्जन सिंह अब और दबंगई से आगे बढ़ेगा। बस यही कि भैया हमारे जितने दर्शकगण हैं इसको पूरी शिद्दत के साथ देखो, हम मनोरंजन करने के लिए आ रहे हैं, आपका मनोरंजन करेंगे और आपका आशीर्वाद लेंगे।